हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको कहानी लिखना सिखाऊंगी जो कि आपके सिलेबस में है। बच्चों, कहानी लेखन में प्रश्न कुछ इस तरह से आता है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखिए। जैसे कि यहाँ पर ये संकेत बिंदु लिखे हुए हैं, ये हैं संकेत बिंदु। अब इनको आधार पर आपको कहानी लिखनी है। कैसे लिखनी है आपको? जैसे संकेत बिंदु पढ़ते जाना है और कहानी को लिखते जाना है। एक गरीब लकड़हारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक गरीब लकड़हारा था, ठीक है। फिर यहां से हम ये है, आगे है, लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी का नदी के पानी में गिरना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वह लकड़ियां काटने के लिए नदी के किनारे पर गया और लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी के पानी में गिर गई। फिर है नदी का गहरा होना, नदी बहुत गहरी थी। फिर आगे है, उसके कोशिश करने पर भी कुल्हाड़ी न मिलना, उसने कुल्हाड़ी को नदी के पानी में छलांग लगाकर ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसकी कुल्हाड़ी उसे नहीं मिली। उसके बाद में है अंत में ईश्वर से प्रार्थना करना। जब उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली तब उसने ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उसकी कुल्हाड़ी उसे मिल जाए। उसके बाद में है, एक परी का नदी से सोने की कुल्हाड़ी लाकर उसे देना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रार्थना करने के बाद में एक परी नदी से सोने की कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आई और उसने उस लकड़हारे को दी। फिर है, लकड़हारे द्वारा सोने की कुल्हाड़ी लेने से इनकार करना, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी इसलिए उस लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी को लेने से मना कर दिया। उसके बाद में है, फिर परी द्वारा चांदी की कुल्हाड़ी लाकर उसे दे देना। जब उस लकड़हारे ने कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया तब परी फिर से पानी के अंदर गई और उसने वापस आकर उसे चांदी की कुल्हाड़ी लाकर दी। उसके बाद में है, लकड़हारे द्वारा उसे भी लेने से मना करना। लकड़हारे ने देखा कि ये कुल्हाड़ी भी उसी की नहीं है इसलिए उसने उस कुल्हाड़ी को लेने से भी मना कर दिया। इसके बाद तीसरी बार परी ने नदी के पानी से उसे लोहे की कुल्हाड़ी ला करके दी। लकड़हारे ने देखा कि यह कुल्हाड़ी तो मेरी है इसलिए उसने खुश होकर के उस कुल्हाड़ी को ले लिया। उसके बाद परी का खुश हो जाना, परी उसकी ईमानदारी को देख करके खुश हो गई। परी द्वारा सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां उसे ईमानदारी के लिए पुरस्कार के रूप में दे देना। इसके बाद में परी खुश हो गई और उसने खुश होकर के सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उसे दे दी। धन्यवाद।